राजू इधर आओ। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। शीरा बनाया है। तुझे पता है रणविजय को ही शीरा बहुत पसंद है। बचपन से जब भी परेशान होता है ना मैं उसके लिए शीरा बनाती हूँ। तो बॉडी घूम जाओ बेटी। एक चम्मच खाते से ही उसकी सारी परेशानी दूर। तुझे पता है यही तो माँ के बने हुए हाथ की बात होती है। इसका स्वाद तो बिल्कुल मेरे आई के बनाए हाथ के शीरे जैसा। यही तो माँ की खास बात होती है। तुझे पता है सारे माओ के हाथ का बना हुआ खाना एक जैसा होता है, स्वादिष्ट। रिजु एक काम कर, तू है ना ये शीरा रणविजय को दे कर। मैं शीरा उनको दू? नहीं, वो कहावत है ना, बढ़ के बैल को चारा नहीं डालते, छिड़का पिप्पा ही नुस्ता। देखिएगा और बढ़ के छिड़का पिप्पा ही नुस्ता। अरे जया, तुम दोनों को उसका ही ख्याल है ना बेटा। रैजू पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बहुत कुछ ठीक है या। अरे जया, उसका ख्याल है ना तुम दोनों को भी। पिछले कुछ दिनों से तुम्हें बहुत कुछ झेला है, अब तुझे भी थोड़ी शांति चाहिए। जा ये शीरा उसे दे आ और तुम दोनों के बीच सब कुछ ठीक कर दो, समझी? पीछे शेफ। अभी तो क्या हुआ है कि वैजू नए घर में आई है, जया के वजह से रणविजय के घर में रहने आई है, पर रणविजय को वो बिल्कुल अच्छा नहीं, तो उनमें कुछ ना कुछ तकरार होती रहती है, नुकझोंक होती रहती है। और पहले तो वो क्या बोलते हैं, स्ट्रांगली रिस्पॉन्स भी करती है या फिर फ्रेंडली लेती है सब, पर कुछ ऐसे बोल जाते हैं वो कि वो उसे छुपता है, और वैसे भी वो वल्नरेबल स्टेट में है अभी कि इतना कुछ उसके साथ हुआ है, तो वो बात उसे खटकती है तो इमोशनल हो जाती है। तो क्या बात है जानने के लिए देखें माठी से बंधी डोर।